कुश्ती पहलवान अखाड़े से उतरकर जंतर मंतर पर दंगल कर रहे हैं। कुश्ती संघ से चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। विरोध प्रदर्शन के चौथे दिन कुश्ती पहलवानों ने जंतर मंतर पर देर रात कैंडल मार्च निकाला और सरकार से उनके मन की बात सुनने की गुहार लगाई। देखो, कैंडल मार्च इसलिए की है, पीएम मोदी सर से भी ये की है कि आप सबकी मन की बात सुने, हमारी सुने। स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी नहीं, अनदेखा कर रही हैं, तो बस ये है, उनको रोशनी दिखाने के लिए हम ये कैंडल मार्च। देखो, पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, और इसीलिए कोर्ट में गए हैं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारी पहले ही सुनवाई हो जाती तो। देखो, रूल तो यही कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट गई है और सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, और माइनर है तो एक घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी ही होनी चाहिए, और आज पांचवा दिन है, अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, इसीलिए हमें फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामले की जांच कर रही जांच कमेटी के सदस्य योगेश्वर दत्त के बयान का भी विरोध कर रहे पहलवानों ने जवाब दिया। ने कहा है कि सबके सहमति से रिपोर्ट बनी है, सबके सहमति से रिपोर्ट बनी है। बबीता फोगाट तो कह रही है उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तो आप सबसे पूछ ही रहे हो, एक कह रहे हैं कि सहमति से बनी है और एक बोल रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती साइन किए हैं, हाथ से रिपोर्ट छीन ली है, तो सहमति कहाँ हुई? वो आप क्वेश्चन सुन से जाके पूछो ना कि सहमति हुई कहाँ। अब आपको बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें बबीता के आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ योगेश्वर आरोपों को सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं। जब रिपोर्ट पूरी बनी थी तो हम सबकी मतलब उसमें सहमति के साथ नहीं बनी थी, और जो कि मैंने आपत्ति मैंने उठाई थी वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया। तो मैं रिपोर्ट जब पढ़ रही थी तो, और मैंने उन इश्यू को मैंने उठाया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सर्वसहमति के साथ अपने आप उन्होंने फैसला लिया, और सडनली फिर बीच में ही, क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, और जब मैंने इश्यू रेज किया तो उन्होंने मना किया, और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने और रिपोर्ट जो छीना था, मतलब इतनी एक तरह से जो उन्होंने बदतमीजी की गई है जिस अधिकारी के द्वारा, वो ठीक नहीं था। मेरे सामने कभी भी किसी भी मेंबर के साथ, हमारी इसकी जो चेयरमैन थी मेरी कोम जी थी, किसी भी सदस्य के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं हुई है मेरे सामने, और जो भी है सारा ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोग्राफी की गई है, और दोनों पक्षों की जितने भी यहाँ पे बयान हुए, जिसके भी हुए, सभी की वीडियोग्राफी की गई है, और रिपोर्ट छीनने वाली बात मेरे सामने ये नहीं हुई। और जहां तक मेरा मानना है कि किसी में भी छहों जो हमारे चेयरमैन को मिला गई, मेरी को मिला गई, जो हम छह सदस्य थे, तो किसी की भी इतनी बातें किसी के हाथ से कुछ छीन ले, मतलब कुछ छीन ले। ये दोनों बयान साबित करते हैं कि मामले में जांच कमेटी के सदस्यों में भी मनमुटाव है। कुश्ती पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरकार से उनकी बातें सुनने की गुहार लगाई। बजरंग पुनिया, विनेश और साक्षी तीनों ने एक ही सुर में कहा कि उन्हें जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ब्रिजभूषण अपने आप को निर्दोष बता रहा है कि मैं निर्दोष हूं। जिस विक्टिम के पास, जो नाबालिग लड़की है, जिस किसी को भी नहीं पता, यहाँ धरने पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे, उनको भी नहीं पता कौन है, लेकिन उनके आदमी उनके घर तक पहुँच रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनके घर तक क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों उनकी तलाश कर रहे हैं, वो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चार दिन हो गए हैं, हम मच्छरों में सो रहे हैं, हम प्रॉपर हमारा खाना भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और चार दिन हो गए हमें, ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग नहीं करने देते पुलिस वाले, तो आप क्यों चुप हैं? कितना समय हो गया हमें, और हम इंसाफ की वेट कर रहे हैं। बहरहाल, कुश्ती पहलवानों का ये दंगल अभी कितने दिन और चलेगा ये कहना मुश्किल है। विरोध कर रहे खिलाड़ी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं दिख रहे। आरोप गंभीर है और देश का गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को समर्थन भी भरपूर है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।